सारे MBA एस्पिरेंट का कैट एग्जाम के बाद ये हाल है। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। नहीं नहीं, अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं हुई है, कैट का एग्जाम अपना खराब गया है ओके, बट दूसरे MBA एंट्रेंस अभी भी बचे हुए हैं, तो वो एक गुड न्यूज़ है अपने लिए कि दूसरे MBA एंट्रेंस में अपने को फोड़ना है और एक MBA कॉलेज में एडमिशन लेना है। एक सीट चाहिए अच्छे कॉलेज में, CMAT टारगेट करो या CET टारगेट करो, दोनों का सिलेबस मोर और लेस सेम ही है, सिर्फ CMAT के अंदर इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप और GK ऐड हो जाएगा और CET के अंदर एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग ऐड होगा, बाकी आपका क्वांट रीजनिंग इंग्लिश मोर और लेस सेम है। तो प्रिपरेशन चालू कर दो, डिले नहीं करना है प्रिपरेशन ओके। अगर कैट के बाद थोड़ा सदमा लगा है तो एक हफ्ते का ब्रेक ले लो, 3-4 दिन का ब्रेक ले लो, 27 को एग्ज़ाम अपना हो गया था तो 4-5 दिन का ब्रेक तो हो ही गया है, और भी चाहिए तो ब्रेक ले लो, रिलैक्स हो जाओ, फिर बाउंस बैक करो आपके नॉन कैट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को लेकर के। सो CET और CMAT ऑलमोस्ट सेम मंथ में आने वाले हैं, आइडली ये फैब एंड में होता है, चांसेस है कि मार्च में चले जाए, और CET आपका आइडली मार्च में होता है ठीक है। थ्रू CET स्कोर यू विल बी गेटिंग एडमिशन इन महाराष्ट्र बेस्ड कॉलेजेस, जितने भी MBA कॉलेज महाराष्ट्र में है उसमें अपने को एडमिशन मिलेगा। CMAT के थ्रू जितने भी AICTE अप्रूव्ड कॉलेजेस इंडिया में हैं ठीक है उसमें एडमिशन मिलेगा। तो ऑब्वियसली CMAT के थ्रू कॉलेजेस ज़्यादा है, 500 प्लस कॉलेजेस हैं CMAT के थ्रू, CET के थ्रू कॉलेजेस कम है नो डाउट ठीक है, और कुछ कॉलेज कॉमन भी है, जो कॉलेज महाराष्ट्र में है वो CET का स्कोर और CMAT का स्कोर दोनों एक्सेप्ट करते हैं। तो गुड न्यूज़ ये है कि अपन दोनों एग्ज़ाम फोड़ेंगे, दोनों एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर लेके आएंगे, अपने को सिर्फ एक सीट से मतलब है, एक सीट चाहिए टॉप 10 टॉप 20 टॉप 30 MBA कॉलेज में ओके। ऑल राइट, सो दीज आर द टॉप 10 कॉलेजेस थ्रू CET एंड CMAT। JB है आपका जिम गोवा, सिडनम, सोमैया, ग्रेट लेक्स, चेन्नई, वेलिंकर, बिमटेक, ग्रेटर नोएडा, SIS, डालमिया, पुम्बा ठीक है। कुछ कॉलेज जो है वो CET CMAT दोनों लेते हैं, लाइक सिडनम दोनों लेगा, वेलिंकर दोनों लेगा आपका, SIS, डालमिया। सो अपार्ट फ्रॉम दीज कॉलेजेस देर आर अदर कॉलेजेस ऑल्सो। CMAT को लेके तो हमने सिटी वाइज कॉलेज बनाया हुआ है, CMAT को लेके तो हमने सिटी वाइज कॉलेजेस बनाए हुआ है हर स्टेट में, लाइक बैंगलोर के CMAT के टॉप कॉलेजेस, फिर दिल्ली में अगर आप दिल्ली के कॉलेजेस, मुंबई हो गया, पुणे हो गया, अहमदाबाद हो गया, सो इंडिविजुअल, सो हर स्टेट का जो Tier 1 सिटी है उसमें जो भी MBA के कॉलेजेस है जो CMAT का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं उसको लेके वी हैव ऑलरेडी मेड द वीडियो, सो सिर्फ यूट्यूब पे टाइप करना है आप जो भी सिटी में रहते हो, बट मेक श्योर आपकी सिटी Tier 1 होनी चाहिए, लाइक दिल्ली हो गई, मुंबई हो गई, कोलकाता हो गया ठीक है, अहमदाबाद हो गया, सिर्फ आपको टाइप करना है CMAT कॉलेजेस इन योर सिटी बाय मेन्यू रेजुकेशन यू विल गेट द वीडियो। सो MBA लाइफ में एक बार करना है, सो इट हैज़ टू बी फ्रॉम बेस्ट कॉलेज। 2 साल का MBA करके जब आप निकलोगे तो प्लेसमेंट में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, अगर तब प्रॉब्लम आई तो रोना ज़्यादा होगा, सो इसलिए अभी रोना चलेगा, अभी मेहनत करना चलेगा, अभी जितनी स्ट्रैटेजी लगानी है, प्लानिंग चाहिए, जुगाड़ लगाना है जितना, सब कर लो, अभी कर लो क्योंकि अभी टाइम है। एक बार मैंने एडमिशन ले लिया MBA कॉलेज में, 2 साल का MBA कर लिया, उसके बाद अगर मुझे नौकरी नहीं मिल रही है, जॉब नहीं मिल रही है, प्लेसमेंट में प्रॉब्लम है, तो वो गलती आपकी है, बिकॉज कॉलेज उतना वेल नोन नहीं है, टॉप रैंकिंग में नहीं आता, तो कंपनीज भी कम आएगी, सो दैट इज़ वाई गो फॉर एटलीस्ट डिसेंट कॉलेज, और उसके लिए आपका एंट्रेंस का स्कोर लगेगा, उसके बाद उनके जो प्रोसेस है वो आपको फॉलो करने हैं। एंट्रेंस एग्ज़ाम एक तो फर्स्ट तो यही स्टेप है आपका, फिर जो उनका एडमिशन प्रोसेस होता है, किसी एग्ज़ाम में GDPI है वो फॉलो करना है, किसी में आपका कैप राउंड चलेगा CET के थ्रू, तो आप जो भी कोर्स के लिए जा रहे हो, MMS के लिए जा रहे हो, PGDM के लिए जा रहे हो, उसको लेके आपको एडमिशन प्रोसेस फॉलो करने हैं, उसके बाद जाके अपने को कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, और फीस जो भी आप पे करोगे 8 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, डिपेंड करता है जो भी कॉलेज आप में आप एडमिशन ले रहे हो। फिर 2 साल का MBA होगा, आपको मेहनत करनी है अंदर, अच्छा परफॉर्म करना है MBA कॉलेज में, उसके बाद प्लेसमेंट। सो इस साल का कैट का एग्ज़ाम थोड़ा टफ था नो डाउट, और बहुत लोग का एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया है, ये भी फैक्ट ही है, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अपने पास नॉन कैट के एग्ज़ाम्स है, टाइम भी है नॉन कैट एग्ज़ाम्स को लेके, अगर आपने अभी से मेहनत करना चालू किया डेफिनेटली अच्छा स्कोर बनेगा। कैट में जो आपने प्रिपरेशन की थी क्वांट का, वर्बल का, पजल का, वो आपको इस एग्ज़ाम में, नॉन कैट एग्ज़ाम में डेफिनेटली काम आने वाली है, जो एक्स्ट्रा पार्ट है, एक्स्ट्रा सिलेबस करिकुलम है, वो आपको प्रिपेयर करना है। सो इन केस इफ यू वॉन्ट टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर नॉन कैट एग्जामिनेशन एट मेन्यूअर, वी हैव लॉन्च द बैचेस ऑल्सो, क्लासरूम एंड लाइव बोथ। सो अगर आप मुंबई बेस हो तो दादर बोरीवली वसई यू कैन विजिट आवर सेंटर, बट इफ यू आर नॉट मुंबई बेस देन यू कैन चेक आउट आवर ऑनलाइन लाइव क्लासेस, यू कैन कॉन्टैक्ट आवर टीम ऑन दिस नंबर, एंड दिस इज वॉट द कम्प्लीट टीचिंग करिकुलम विच विल बी गेटिंग फॉर योर प्रिपरेशन। सो आई रिपीट, MBA कर रहे हो तो टॉप MBA कॉलेज से ही करो, सो दैट आगे प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए।
so that you will be having good exposure of faculties, infra, alumni contact and obviously finally आपका placement, ठीक है. So ये सारी information मैंने discussion में दिया हुआ है, do check the description and in case if you want to order the books, test series, self-study program, log on to medvideo.com/mbaintro. Prepare well, all the very best, thank you.